हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्टिंग में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी, हर्षिता के पैर में दर्द था। मैंने काफ़ी अपने व्लॉग्स में आपको बताया है, तो मुझे आज उसे डॉक्टर के लेके जाना ही पड़ा, क्योंकि 3-4 दिन तक तो मैंने पूरी कोशिश करी, घर के हर तरीके आजमा के देखे, पर होता है कि कभी कभी जल्दी आराम नहीं हो पाता। तो फाइनली फिर आज मैं इसे डॉक्टर के लेके गई और उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दिया है, और वो एक एक्सरे किए थे। तो जो अभी आप पीछे वीडियो देखे वो एक्सरे कराते हुए समय की थी। और बाकी मेन उन्होंने यही कहा है कि थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से करेगी तो नॉर्मल हो जाएगा, थोड़े से दिन लगेंगे, हो सकता है 8-10 दिन लग जाएं ठीक होने में। तो फिर वापसी में मैं हर्षिता को यहाँ पे जूस पिलाने के लिए रुक गई थी। ये काफ़ी अच्छी सी शॉप है और यहाँ पे एकदम फ्रेश जूस देते हैं, तो हर्षिता को भी मैंने जूस पिलाया और मैंने अपने लिए भी लिया था। मैं तो खुद यही कहती हूँ कि बच्चे अगर खाने पीने पे अगर अपना पूरा फोकस रखे ना, तो डॉक्टरों के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जूस पी लेते हैं और फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे घर पे। यहाँ घर पे आने के बाद काफ़ी सामान मंगवा के रख रखा था मैंने, ऑनलाइन ही आ गया था, और आते ही सबसे पहले मैंने चेंज किया, हाथ मुंह धोया, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें जो बाहर रखी हुई थी इन सबको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही थी। सभी सामान को रखने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हर्षिता के टिफ़िन में मैं पराठा सब्जी वगैरह नहीं बना रही हूँ, आज उसका कुछ अलग सा ले जाने का मूड है, तो आज आलू के टोस्ट बना रही हूँ मैं। एक पीस हम खाएंगे और बाकी एक दो पीस मैं उसको पैक करके दे दूँगी, और बनाने के बाद छोटे छोटे पीस में कट कर दूँगी, ताकि जब स्कूल में खाते हुए बच्चे सिर्फ खाना तो खाते नहीं हैं, बातें करते रहते हैं, तो वो बातें भी आराम से कर सके और खाने को भी फुल्ली इंजॉय कर सके। बच्चों को अगर टिफ़िन में रेगुलर हम सेम चीज़ देते हैं तो वो ऊब जाते हैं और अक्सर टिफ़िन को वापस ले आते हैं, खाते नहीं हैं। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्हें चेंज कर करके दें, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे खाने में और एटलीस्ट जो भी लेके जाएं उसे खा के आएं। तो हर्षिता का लगभग टिफ़िन रेडी हो गया है। तो मैंने क्या क्या दिया है आज हर्षिता को टिफ़िन में, ये छोटी सी डब्बी जो है इसमें मैंने थोड़े से काजू बादाम रख दिए हैं, एक ये फ्रूट केक दे दिया है, और इसमें टोस्ट रख दिए हैं। सॉस में हमेशा पाउच वाली ही देती हूँ और पानी की बॉटल, तो आज फ्रूट की जगह ड्राई फ्रूट्स हैं। यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।